Hi everyone, my name is Anu Sabarwal and I am a second year MBBS student. तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में. फर्स्ट ईयर जैसे कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग ईयर होता है, क्योंकि हम पहली बार कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कॉलेज से. एंड फर्स्ट ईयर में हम बहुत सारा न्यू मेमोरीज क्रिएट करते हैं, पहली बार घर से कई बच्चे दूर जा रहे होते हैं. तो ऐसे ही सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किए थे उनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. तो मेरे फर्स्ट ईयर की शुरुआत हुई थी 5th of December 2022 में. एंड हमारा पहले वीक जो था वो पूरा ओरिएंटेशन वीक था, जिसके अंदर हमें बताया था कि क्या क्या MBBS के अंदर होता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं एंड कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे एंड कितने ड्यूरेशन कितना है हर एक ईयर का. तो पूरा मतलब ब्रीफ किया था MBBS के बारे में और पूरा समझाया था. उसके साथ साथ हमारी कुछ योगा क्लासेस हुई थी अर्ली मॉर्निंग, हम योगा करने गए थे जिसमें प्रिंसिपल सर भी आए थे. एंड कुछ और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली क्लासेस हुई थी, बेसिक एथिक्स सिखाए थे हमें बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट. तो यही सब के अंदर हमारा फर्स्ट ईयर का मतलब पहला वीक निकला था, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट की थी. मैंने कुछ अपने नए फ्रेंड्स बनाए थे एंड एट लास्ट हमारे ओरिएंटेशन का एंड हुआ था विद अ व्हाइट कोट सेरेमनी, जो कि हर एक MBBS स्टूडेंट का ड्रीम होता है. तो हमें अपने अपने मतलब व्हाइट कोट्स मिले थे एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल डे टिल नाउ, जिसमें मैंने पहली बार व्हाइट कोट पहना था ऑफिशियली एज अ मेडिकल स्टूडेंट. एंड मुझे पता था कि इसके बाद आई एम नेवर गोइंग टू लुक बैक इन लाइफ, क्योंकि अब मैं डॉक्टर एक्चुअल में बनने वाली थी. तो अगर मैं बात करूँ अपने पहले 2 months ऑफ फर्स्ट ईयर की, तो बहुत ज़्यादा चिल गए थे, क्योंकि मैं इंजॉय कर रही थी, नए फ्रेंड्स बना रही थी, नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि मैं इतनी दूर आई थी अपने घर से. तो नए लोग मिल रहे थे डेली बेसिस पे एंड कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, हम मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी को. उसके साथ साथ क्योंकि दिसंबर एंड था, तो हम लोगों ने अपना न्यू ईयर भी सब लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया था, विच वॉज अगेन अ एपिक फॉर अस, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम इतने लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था. एंड इसी के साथ साथ मतलब फर्स्ट ईयर के 2 महीने बहुत अच्छे से गए थे. एंड सबसे बेस्ट पार्ट हमारे कॉलेज की ये है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है. मुझे पता है बाकी कॉलेजेस में होती है, बट हमारे कॉलेज में नहीं होती है. नॉर्मल इंट्रैक्शन होता है जूनियर्स एंड सीनियर्स के बीच में, विच इज़ अ गुड पार्ट, बट एज सच कुछ रैगिंग नहीं हुई. तो ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ महसूस हुआ इस चीज़ से कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ सीन नहीं है. अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमें टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी. एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एनाटॉमी बना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि NCERT के अंदर हम जो डायग्राम्स देखते हैं मतलब ह्यूमंस के एंड पूरे सिस्टम्स वगैरह पढ़ते हैं, उसको एक्चुअल में हम मतलब MBBS के अंदर हम एक्चुअल में उसको देख सकते हैं बॉडी के अंदर, कि कैसे लंग्स दिखते हैं, कैसे और मतलब बाकी ऑर्गन्स दिखते हैं. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी एंड इसलिए मुझे डाइसेक्शन हॉल में जाना एंड बोन्स को पढ़ना, एनाटॉमी को पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. एंड अगर मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब हम पहली बार डाइसेक्शन हॉल में जा रहे थे, तो मैं एक्साइटेड तो थी बट इनफैक्ट नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी. इसकी वजह से मैं वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि मैं कैसे देखूंगी. मतलब एक मतलब होता है ना कि एक मतलब आप अपने सामने लाइव देख रहे हो कि आपके सामने एक बॉडी को मतलब काटा जाएगा. तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पैनिक कर गई थी और मैं वहाँ से चली गई थी. बट मैंने फिर अपने आप को 10-15 मिनट बाहर समझाया डाइसेक्शन हॉल के, कि नहीं मुझे करना होगा डाइसेक्शन, ऐसे करूँगी तो कैसे चलेगा. एंड उसके बाद बहुत हिम्मत करने के बाद मैं वापस डाइसेक्शन हॉल के अंदर आई थी. एंड उसके बाद मैंने जानबूझ के मतलब अपने आप को फोर्स किया कि नहीं स्कैल्पल उठाना है, करना है, जबकि मेरे को डर लग रहा था, बट स्टिल मैंने अपने आप को फोर्स किया था. एंड थैंकफुली मैंने अपने आप को किया था, वरना मैं शायद डाइसेक्शन पूरे साल नहीं करती. एंड मैंने अच्छे से फिर उसके बाद डाइसेक्शन किया. एंड उसके बाद मुझे डाइसेक्शन करने में उल्टा अच्छा लगता था जब मैं करती थी, क्योंकि एनाटॉमी में क्या है कि जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरी पढ़ने से उसके बाद डाइसेक्शन हॉल में जब आप जाओगे, आप उस चीज़ को देखोगे अपने सामने लाइव, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आती है एंड और ज़्यादा आप उसको मतलब लर्न कर पाते हो, समझ पाते हो कि अच्छा ये मसल ऐसे दिखता है बॉडी के अंदर. सिर्फ डायग्राम्स में देखने से आपको एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी, और जो ये दोनों लिंक बिठा लेता है उसके लिए एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. इसीलिए हो सके तो जितना हो सके अपना डाइसेक्शन करना जब आप जाओ अपने फर्स्ट ईयर में, एंड कोशिश करना कि डाइसेक्शन हॉल में आने से पहले उसकी थ्योरी पहले से आप एक दिन पढ़ के जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है आपको.
एंड बात करूँ मैं फिजियो की, तो फिजियो में हमारे तीन तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी के अंदर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ब्लड के अंदर कि आरबीसी काउंट कितना होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं, जो कि हम पहले एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ पढ़ते थे न्यूट्रोफिल्स, एसरोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में, उसको हम एक्चुअल में स्लाइड्स में देखते हैं एंड अपने आप से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एंड जैसा कि बोलते हैं कि एमबीबीएस खून नहीं मांगता है, तो हमने सारे हेमाटोलॉजी प्रैक्टिकल्स अपने खुद के ब्लड सैंपल से किए थे। हम पूरे 1.5 महीने तक अपने आप को, मतलब जब भी हेमाट का प्रैक्टिकल होता था, यूज टू प्रिक आवर सेल्फ्स, एंड स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता था, और उसके बाद इवेंचुअली वी गॉट यूज टू इट एंड हमें मतलब प्रिक करना रहता था अपने आप को, और उसके बाद अपने ही ब्लड सैंपल से हम अपने ही हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन को देखते थे। तो वो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी फिजियोलॉजी के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में, तो वो सबसे ज़्यादा ईजी प्रैक्टिकल्स होते हैं पूरे इंटायर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, होता है बस आपको एक सैम्पल दिया जाता है जिसको आपको बस टेस्ट करना होता है, एंड डिफरेंट कलर्स मिलते हैं आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सो बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ हम लोगों के फर्स्ट इंटरनल्स आ गए थे, एंड मेरा फर्स्ट इंटरनल अच्छा नहीं गया था, एंड जितने मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे डर लग गया था एक्चुअली में कि अगर ऐसे ही रहा तो कहीं मैं एंड में फेल ना हो जाऊँ, बट उस टाइम पे मुझे सीनियर्स ने गाइड किया था और समझाया था कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ एमबीबीएस लाइफ, ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया था एंड समझाया था कि नहीं, फर्स्ट ईयर में मतलब ऐसा होना इज नॉर्मल, ऐसा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम पहली पहली बार फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है सब्जेक्ट्स के बारे में, और सब्जेक्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, तो उतना ज़्यादा हम समझ नहीं पाते कि आंसर राइटिंग में हमें लिखना क्या है। हमें नॉलेज होती है बट हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी कल को एमबीबीएस में, और अगर आपको ये चीज़ फेस करने को मिले, तो डिसअपॉइंट होने की जगह ट्राई टू वर्क अपॉन योर वीक पॉइंट्स एंड कोशिश करना कि आप टीचर्स से गाइड लो, अपने अच्छे सीनियर से गाइडेंस लो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको अपने आंसर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। मैंने और दो इंटरनल्स दिए थे जिसमें मैं प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करती रही एंड मैंने खूब सारी मस्ती भी करी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी भी, एंड इसी के बीच मैंने एक अपनी नई हॉबी डेवलप करी विच इज़ माई यूट्यूब चैनल, जिसमें अभी आप मुझे सुन पा रहे हो। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि दैट गिव्स मी अ बिग मोटिवेशन कि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। एंड धीरे धीरे करके ईयर एंड आने लगा और हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने बचे थे अपने प्रॉप्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि इतना सारा सिलेबस था और पहली बार मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि पूरे साल मैंने कोशिश की थी कि मैं सब्जेक्ट्स के साथ टच में रहूं, अपनी प्रिपरेशन पूरी करती रहूं, बट लास्ट में आते आते ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जितना आप एनसीईआरटी सोच रहे हो, जितना मतलब नीट का सिलेबस होता है उसका x3 times समझ लो कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना पड़ रहा है, कि एंड एंड में आते आते मैंने लगभग 10-10 घंटा पढ़ाई करी थी, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करी थी डेली बेसिस पे, कि मुझे था कि किस तरीके से बस सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए और ऐसा ना हो कि मुझे मतलब मेरी बैक लगे या मुझे सभी एग्जाम्स में बैठना पड़े। एंड लकीली मेरा सारे पेपर्स अच्छे से चले गए थे एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी गॉट आवर रिजल्ट्स एंड मैं पास हो गई थी। तो इसी के साथ मेरी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की जर्नी मतलब ख़त्म हो गई थी एंड आई ऑफिशियली गॉट प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर। एंड अभी मेरे को सेकेंड ईयर में आए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। सेकेंड ईयर की भी एक अलग ही स्टोरी है, एक अलग ही मतलब सब्जेक्ट्स अलग ही जर्नी है, जिसका मैं बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। टोटली डिफरेंट है फर्स्ट ईयर से। तो जो कोई भी मतलब एमबीबीएस में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, कोशिश करना कि आप फर्स्ट ईयर में उतना अच्छा बेस अपना बिल्ड कर पाओ कि आप सेकंड ईयर में उतना ज़्यादा मतलब सेटबैक फील ना करो, कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपके काम आते हैं, वो इंटायर पूरे एमबीबीएस जर्नी में काम आते हैं। तो कोशिश करना कि अपने कॉन्सेप्ट उतने अच्छे बिल्ड करो, उतने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करो कि आपको लाइफ टाइम काम आए, कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिलेटेड है, जैसे हमारा स्पेशली पैथोलॉजी हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड है एंड बायोकेमिस्ट्री में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फार्मा में काम आती हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के उसके एग्जाम्स देके प्रिपेयर करके सोचोगे कि हाँ ठीक है मेरा मैं बस पास हो गई तो इट इज़ ओवर, ऐसा नहीं है। हमें बाद में उस सब्जेक्ट को बार बार गो थ्रू करना पड़ता है। तो यही है बस मेरी जर्नी अब तक की। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करा करो और मुझे कमेंट करके बताया करो व्हाट कैन आई इंप्रूव इन माय वीडियोस।
एंड और किन टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियो चाहते हो, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।